उत्तर प्रदेश के बरेली में बाढ़ आपदा राहत व बचाव कार्य के समय कोई कमी ना रहे इसको परखने के लिए जिला स्तर पर आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बरेली में आज रामगंगा के किनारे NDRF के साथ जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग की टीमों ने बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया, जिसमें रामगंगा नदी में आई बाढ़ के कारण फंसे लोगों को NDRF ने नाव से रेस्क्यू किया। बाढ़ के समय जो हालात पैदा हुए उनसे निपटने के लिए सभी ने अपनी सहभागिता निभाई। वहीं इस अवसर पर ADM वित्त संतोष बहादुर ने बताया कि आज NDRF के द्वारा मॉक ड्रिल की गई, जिसमें विभागों द्वारा बाढ़ आपदा के समय कैसे राहत पहुंचाई जाए इसकी तैयारियों को पूरा परखा गया और मानसून के समय भविष्य में कोई आपदा आती है तो पूरी तरह तैयार है। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष मानसून के आने के बाद कभी कभी बाढ़ की काफ़ी विकराल स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके लिए पहले से ही बाढ़ बचाव एवं राहत के लिए उपाय किए जाते हैं। आज जो ये मॉक ड्रिल हुआ रामगंगा नदी किनारे ये जो चौबारी गांव है ये उसी के क्रम में हुआ है कि अगर भविष्य में आपदा आती है, बाढ़ के रूप में आती है, तो हम अपने एक रिस्पांस टीम के रूप में सभी विभागों को, जिसमें कि राजस्व विभाग है, चिकित्सा विभाग है, पशुपालन विभाग है, सिंचाई विभाग जो बाढ़ खंड का है, और सब उसके अलावा जो पुलिस है और बचाव के रूप में NDRF और PSC को भी लेकर के ये आज मॉक ड्रिल किया गया है, जिसमें कि दो तीन सिचुएशन क्रिएट की गई थी कि एक तो ये था कि अचानक पानी भर जाने से कुछ लोग बीच में फंस गए थे और उनको इवैक्यूएट किया गया। एक सिचुएशन थी, एक व्यक्ति जो बाढ़ में ये पानी में डूब रहा था उसको NDRF के द्वारा बचाव का कार्य किया गया। ये एक्चुअली आने वाले समय के लिए एक रिहर्सल है, तैयारी है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।